Hello everyone, how are you? I hope you all are very good. So आज का हमारा टॉपिक है नॉक्टर्नल एन्यूरेसिस, जो कि एक साइंटिफिक वर्ड है. इसको हम बेड वेटिंग भी बोल सकते हैं. तो डेफिनेशन क्या है, ट्रीटमेंट लेने की हमें कब ज़रूरत है, इसका डायग्नोसिस कैसे पता करें, इसके बारे में बात करते हैं. सो डेफिनेशन यही है कि एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है जो कि बच्चों में ही देखने को मिलती है हमें. इसमें बच्चा जब गहरी नींद में होता है रात को, तो उस टाइम वो टॉयलेट कर देता है. और बच्चा यदि 5 साल से बड़ा हो गया है, तो हमें इसके बारे में ध्यान देने की ज़रूरत है और ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत है. ओके, यदि बच्चा छोटा है, 5 साल से कम है, 2-3 साल का है, तो उसमें क्या होता है, यूरिनरी जो अपना ब्लैडर होता है उसका इनवॉलंटरी एक्शन होता है. तो ये कॉमन होता है और इसको हम हैबिचुअल थेरेपी से ठीक कर सकते हैं. लेकिन जब बच्चा 5 साल से बड़ा हो गया है, तो हमें यहाँ ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत है, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. ओके, सो आपको डायग्नोसिस कैसे फाइंड करना है कि इसको ये प्रॉब्लम है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, बच्चे को यदि एक सप्ताह में 2 बार यदि टॉयलेट कर रहा है रात को, ये देखना है आपको. और ये 3 महीने तक कंटिन्यू चल रहा है और एज उसकी 5 साल से अबव हो चुकी है, ऊपर हो चुकी है, तो इसमें अब आप डायग्नोज कर सकते हैं कि बच्चे को नॉक्टर्नल एन्यूरेसिस है. आपको डॉक्टर से परामर्श लेने की ज़रूरत है. सो इसका ट्रीटमेंट जाना है, तो नेक्स्ट वीडियो में बने रहना.